तो हम लोग आज पढ़ेंगे हाइपरलिंक के बारे में। जानकारी आपको दी गई थी तो इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाइपरलिंक दुनिया की किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को या किसी भी वेबसाइट को लिंक करने का ताकत रखता है, यानी कि लिंक ये कर सकता है। लेकिन आप गौर करोगे यहां पे दिया हुआ है लिंक्स, लिंक्स में हाइपरलिंक भी है, बुकमार्क भी है और क्रॉस रेफरेंस भी है। तो ये तीनों ही क्यों लिंक में आए, क्या तीनों ही हाइपरलिंक की तरह काम करते हैं? तो हाइपरलिंक के बारे में तो मैं बता चुका हूं आप सभी को, ठीक है। अब मैं बताता हूं बुकमार्क को। विपिन तुम ध्यान से इसको समझो, ठीक है। हाइपरलिंक को अपन ने बताया ना, हाइपरलिंक को जैसे अपन क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लो आपने लिखा है स्कूल, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा स्कूल को, स्कूल को मान लो मैंने एच ले लिया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट किया एच को, राइट क्लिक किया और हाइपरलिंक किया, तो मैं फोटो वगैरह जो भी होगा उसमें सब कुछ, जैसे वराली का टेबल है, मैं इसको लिंक कर दिया हूँ, मेरे को यहाँ से वराली का टेबल को मैंने लिंक किया है यहाँ पे, या तो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके या तो ओपन हाइपरलिंक करो या फिर कंट्रोल दबा दो, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा दो तो ऐसे एक फिंगर आ जाती है, ठीक है। सिलेक्शन क्लिक कर दोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे इसमें तो ये फोल्डर बोलेगा यस करने को और ये ओपन हो जाएगा। ये देखो ये वराली ने बनाया था, क्लियर। बहुत माइंडेड लड़की है वो, बहुत ज्यादा वो, ओके। इस प्रकार में ये तो होगा हाइपरलिंक। बुकमार्क क्या है, मैं देखो बुकमार्क करके दिखाता हूं, थोड़ा सा मैटर को मैं टाइप कर देता हूं, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए बोल्ड कर देता हूं समझने के लिए, थोड़ा सा मैं बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये मैटर हमने टाइप कर दिया। और एक दो और छोटा करना पड़ेगा, एक दो तीन चार, ठीक है। हाँ वो तुम्हारे में है, चिंता नहीं करो। तो मैं ये क्या करता हूँ, एक मैटर है जिसके विषय में लिखना है, ये है सन के मैटर में, ठीक है। कैपिटल में बना देता हूँ मैं, ये सन लिख दिया हूँ इसको, ये जो मैटर है ये सन का है, ओके। ये मैटर मान लो ये ट्री का है, ओके। ये मैटर जो है इसको एयर का कर देता हूं, वराल का समझना, एक मैट वराल का नाम दे रहा हूं, अभी का समझना है। एक ये सब अलग अलग के मैटर है, अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे ये सन के बारे में बोल रहा है, ये ट्री के बारे में, एयर के बारे में, और ये कर देते वाटर के बारे में जो है बोल रहा है। विपिन समझ रहे हो, ध्यान से समझना। तो देखो ये अलग अलग मैटर, मैं नीचे के मैटर को डिलीट कर देता हूं, ऐसे सिलेक्ट किया डिलीट बटन दबा दिया, ओके। पेज को येलो तो नहीं करना है, पेज को येलो कर देता ताकि हम समझ सके अच्छे से ये, ठीक है। तो ये सन के बारे में लिखा हुआ है, ये ट्री के बारे में लिखा हुआ है, ये एयर के बारे में लिखा हुआ, ये वाटर के बारे में लिखा हुआ है। हमने कल रात को सन से लेके ट्री तक पढ़ा, अब मुझे कल ना एयर से पढ़ना है। अब कब से पढ़ना है, मेरे को कहां से पढ़ना है, एयर का पैराग्राफ मुझे पढ़ना है। किसा पैराग्राफ, एयर का पैराग्राफ मुझे पढ़ना है। और ये मैं भूल गया, क्योंकि मैं क्या किया, मैं सन का पढ़ा, ट्री का पढ़ा और 15 दिन के अंदर तक मेहमानी का काम किया, अब मैं भूल गया कि मुझे कहां से पढ़ना था या फिर कहां से मुझे दोबारा टाइप करना था, कोई भी ऐसा मैटर हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे एयर से काम करना, तो आप एयर को सिलेक्ट कर लो, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये देखो ऐसे नहीं करना, एयर के और पीछे सिलेक्शन हो चुका है, देखो अंदर बैठ जाइए, टेबल दिए हुआ आप उसको कीजिए, है ना। एयर और ज्यादा सिलेक्शन हो चुका है, पेज को मैं वाइट कर देता हूं, नहीं तो दिक्कत पड़ेगी। ये जो एयर सेलेक्ट करते हो ना, देखो टेस्ट सिलेक्शन हुए का आइडिया बताता हूं, जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आपके सिलेक्शन की गलती से, आप ये शिफ्ट बटन दबाएंगे, ये कर लो, ये देखो ये आप ऐसे नहीं सेलेक्ट कर सकते एयर को,
क्योंकि इसके साथ एक स्पेस है वो भी सिलेक्ट हो गया है। आपको ऐसे करना है, कंट्रोल सी दबाए, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया विपिन, कॉपी हुआ, सिलेक्ट किया एयर को और मैं गया इंसर्ट में, गया बुकमार्क में। बुकमार्क को जैसे खोलता हूं तो ऐसे टास्क आ जाता है, बुकमार्क लिखता है, बुकमार्क का नेम बता। ये बुकमार्क को आप अलग अलग करके पढ़ो ना तो समझ में आएगा। बुक मार्क, किसी बुक में मार्क लगा दो, पन्ना मोड़ देते थे हम, अरे नौ तक पढ़ी, दस से पढ़ा तो नौ को मोड़ दो, इंपॉर्टेंट चीज है, नौ इंपॉर्टेंट है, मोड़ दो पन्ना, देर वो मैं फीता लगा दू, हाँ ऐसे अपन देर वो चिट लगा देते हैं। समझ में आया? इसको अपन कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पे और इसको ऐड कर देते हैं, ऐड हो गया। अब मुझे, मैं गया, मैं, मुझे पढ़ना है कहाँ से, मैं देखो सन में हूँ, मुझे बुक मार्क याद करो कहाँ से पढ़ना है मुझे, इसको क्लिक किए और गो टू कर दिए, देखो पहुँचा दिया एयर में, क्लियर। डिलीट भी करना चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, ये समझ में आया बुक मार्क का मतलब? बुक मार्क को आप ऐसे भी कर सकते हो, देखना, जैसे आपने लिखा सन, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी किए, बुक मार्क में गए, यहाँ पे सन किए, ऐड कर दिए, यहाँ पे ट्री को, आप ट्री को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी किए, बुक मार्क में गए, ट्री को आपने सेलेक्ट करके ऐड कर दिया, ओके। एयर को लिया, एयर को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, बुक मार्क गया, आपने यहाँ पे इसको मिटाया, एयर लिख दिया, ओके। वाटर को लिया, वाटर सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कंट्रोल सी किया, बुक मार्क में गया और ऐसे किया और ओके कर दिया, ये चारों चीज हो गई। अब इसमें ये फायदा है कि अगर मैटर 100 पन्ने का हो, सोचिए 100 पन्ने का हो और एक जो सब्जेक्ट, जो किसी मैटर, जैसे कि गांधी जी के विषय में पढ़ना है, उसके तीन पेजेस घेर रहे हैं, तो ये जो बुक मार्क है और ये जो क्रॉस रेफरेंस है, ये किसी चीज को लिंक नहीं करता है, उस पेज में जितने मैटर होंगे, शब्द होंगे, सबको आपस में लिंक करेगा, लेकिन किसी और डॉक्यूमेंट को इसके परे नहीं लिंक करता, केवल उसी पेज में ही एक दूसरे को लिंक करता है, टेस्ट को लिंक करेगा, लेकिन उस टेस्ट से हम किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन करता कि ये लिंक नहीं कर पाता, ये ताकत केवल हाइपर लिंक की है, ठीक है। तो मैंने सबको फिट कर दिया बुक मार्क। अब इसमें एक अच्छा फंडा है, मत क्या पढ़ना चाहते हो, एयर के विषय में, ये देखो एयर के विषय में पढ़ सकते हो, किसके विषय में जानना है, वाटर के विषय में, वाटर के विषय में जान सकते हो। तो देखो हमने ट्री के विषय में, ट्री के विषय में, गांधी जी पढ़ना है गांधी जी, नेहरू जी पढ़ना है नेहरू जी, अब्दुल कलाम जी पढ़ना है अब्दुल कलाम जी, ऐसे आप मैटर को कर सकते हो, ऐसे को सेट कर सकते हो। पूछो मतलब एयर को आप करते हैं ना सर, स्पेस की अगर स्पेस लिख करी तो सर वो नहीं लेता ना, वो डिफेक्ट करता है वो। मैं तुम्हें ये परेशानी करके भी बताता हूँ, कोई वजह है, इसीलिए टेक्स्ट कलेक्शन मैंने बता दिया, उस नियम का पालन करोगे और जो आप बता रहे हो मैं इसे लास्ट में बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, है ना। समझ में आया? आप किसी भी हेड में आप तत्काल पहुंच सकते हो, ओके। तो मैं क्लोज, कॉपी से लिख कर आया, हम नाम से लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, सही लिखी है, वही चीज होनी चाहिए, इसे मैं क्लोज किया, ठीक है। याद रहना बुक मार्क मैंने कर दिया, ओके। अब आता हूं मैं क्रॉस रेफरेंस में, ध्यान देना, मैं नीचे जाता हूं और इंटर दबाता हूं, नए पेज में चला जाता हूं, ओके। क्रॉस रेफरेंस में गया, ऐसे खिलेगा क्रॉस रेफरेंस, ऐसे इस प्रकार से ओपन हो, क्रॉस रेफरेंस, नंबर दिया है, नंबर नहीं चाहिए हमको, तो बुक मार्क से सेलेक्ट करना है, हमने सब हेड को किसमें डाल दिया है, विपिन ध्यान लगाओ ना, किसमें डाला है, और अभी हमने क्या सिखाया है, क्या सीखा है, किस विषय में पढ़ाया मैं, डांट खाओगे, किस विषय में पढ़ाया मैंने, पढ़ा चुका बुकमार्क, किसमें पढ़ाया है, बुकमार्क को पढ़ाया है, तो हमने अभी किसमें सब कुछ सेव किया है, बुकमार्क में, देख लो किया है ना। अब बात आ गई क्रॉस रेफरेंस, मैं नया पेज ले लिया, मैंने इसे डिलीट नहीं किया, ध्यान से समझना रूप,
और तुम क्या है किशन, ध्यान समझना, तुम मल्टीमीडिया में आओगे यहाँ के बाद, तुम ध्यान से समझना, और तुम बिल्कुल ही समझो तुमको अपनी लाइफ बनानी है, नहीं तो परेशान हो जाओगे तुम। ठीक है, नया पेज ले लिया मैंने और क्रॉस रेफरेंस पे गया, क्रॉस रेफरेंस को जैसे ओपन किया तो मैंने बुक मार्क से नंबर से नहीं, बुक मार्क से उठाना है, बुक मार्क को क्लिक किया, देखो बुक मार्क आ गए, आ गया। मैं सबको देखो लिंक कर देता हूँ, ये एयर है, सबको ले लेता हूँ मैं, ये सबसे पहले सन है, फिर बाद में ट्री है, फिर बाद में एयर है, फिर बाद में वाटर है, ये ना भी हो तो आप कर सकते हो, ये मैंने कर दिया, देखो सब कुछ आ रहा है ना, कहाँ गया, सब जुड़ा हुआ है, देखो ना सब जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर कर देता हूँ, कर सकते हैं ना, ये कर दिया मैंने, कर दिया, ये देखो सब, सन में जाना है, सन में जाना है, कंट्रोल दबाइए और सन को क्लिक कर दीजिए, क्रॉस रेफरेंस, एयर में जाना है, एयर में जाना है, आप क्लिक किए, इसमें चले गए, क्लियर। क्या बताया मैं, ये डिजाइन डाल दो ना आप इसमें, हमने सिखाया था, आप इसको ऐसे करो, सबको एक ही, सबका देखो साइज, देखो इसका 12 नंबर है, इसका 16 नंबर है, अरे भाई सबको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ना 18 नंबर, क्या गलत है, और फिर बड़ा कर देता हूँ, बीच में कर देता हूँ, राइट साइड कर देता हूँ, लेफ्ट साइड कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, किया। फिर मैं क्या करता हूँ, ये लेता हूँ ये डिजाइन, ये देखो ये बन गया, ये डिजाइन, डिजाइन को पीछे कर देता हूँ मैं, ये बन गया, फिर इसे कलर कर सकते हैं हम लोग, चलो ये कर देते हैं, ये देखो ये अच्छा बन गया वुडन में, यार ये तो बहुत अच्छा बना है, इसको भी सेम इसके सही इसकी शब्दावली भी स्टाइलिश कर देते थोड़ा सा, ये देखो क्या यार क्या बनाना है, छोड़ना तू कर ले, क्लियर हो गया, तो मैं ही करूँ बदमाश है, ये सेलेक्ट किए कर लो ना, ये हो गया खुश, कलर अलर चेंज कर लेना, ठीक है। मुझे किस में जाना है, अच्छा आउट कर देते ना इसको, आउट में थोड़ा सा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। किस में जाना है, क्या पढ़ना चाहते हो बेटा तुम, ट्री के विषय में, कंट्रोल दबाया ट्री को क्लिक कर लो बेटा, ट्री आ गया। अब ये 999 पेज नंबर में क्यों ना हो, ये वहां पहुंचा देगा आपको, मैं बात बढ़ेगी कर रहा हूं, पेज नंबर अभी एक है दो है, 999 ये 12,000वें पेज में भी होगा तो भी एक क्लिक में पहुंचा देगा, बात समझ में आ रही ना, ओके। कौन से हेड पढ़ना चाहते हो बेटा, एयर, ये देखो, कौन से हेड पढ़ना चाहते, सन, ये देखो, आप इंटरनेट की चीजें समझ रहे हो कि जब हम लोग किसी में क्लिक करते तो उसी में क्यों पहुंचते हैं, ये हाइपरलिंक है, क्रॉस रेफरेंस है, बुक मार्क है, वेब पेज डिजाइनिंग का कोर्स तभी वही बंदा कर सकता है जिसको HTML, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक आता हो, नहीं तो भैया वो छोड़ दे, क्या है पूरा लॉजिक का खेल है कंप्यूटर, लॉजिकल पूरा थिंकिंग है, समझ में आया। आगे बढ़े, रूप सिंह तुम्हारा इंग्लिश से नाम क्या होगा, फेस सिंह, समझ में आया, चलो ठीक है, इसको मैं हटा दूं, चलो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब आता हूं मैं यहां पे, पहले तो यहां पे आता हूं सन के पास, है ना, सन को थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये कर दिया नीचे, मैं यहां पे एक बटन लगा देता हूं, क्या लेफ्ट साइड में एक बटन लगा देता हूं, गया मैं इंसर्ट में, क्रॉस रेफरेंस में गया और बटन लगाता हूं मैं वाटर जाने के लिए, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे देखो क्या है, वाटर, वाटर में जाने का एक बटन मेरे को लगाना है, नहीं लगाऊं, लगाने ना, तो मैं गया इसमें लेफ्ट साइड में एक बटन लगाना है, मैं गया क्रॉस रेफरेंस में, बुक मार्क तो है ही, यहां पे गया मैं, ये लेना है मुझे बिलो और एबव, किस पे जाना है, वाटर पे जाने के लिए, बिलो एबव लगाना, ये बटन वाटर नीचे है, ये समझ जाएगा सिस्टम, इसको क्लिक कर, ये बिलो आ गया, बिलो कंट्रोल दबाया, क्लिक किया, देखो वाटर में पहुंचा दिया, कभी देखे हो ये बटन दबाओ नेट में, इंटरनेट में टॉप, हाँ उसे ऐसे किया था, चलो फिर से बता, इसने क्वेश्चन कर दिया मतलब फिर से बताना पड़ेगा, हम गए मुझे क्या करना, सबसे नीचे क्या है, वाटर, देखते हो कभी इंटरनेट में होता है कि
टॉप में जाने के लिए बटन दबाओ, टॉप दबाते तो ऊपर पहुंचा देता है। यस सर। क्रॉस रेफरेंस है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगा ताकि मैं वाटर में जाऊँ, तो यहाँ पे बटन को लिंक करूंगा वाटर से। तो मैं क्लिक यहाँ पे बटन, यहाँ पे क्लिक किया जहाँ पे लाना है, और मैं क्या किया है, क्रॉस रेफरेंस किया कि किस पे जाना चाहिए, वाटर में जाना चाहिए। तो यहाँ पे बिलो और एबव वाला बटन दबाओ, इसे पता है कोई ऊपर है ही नहीं तो ये नीचे करेगा, वाटर में चले जाना। इंसर्ट लगा, ये बिलो का बटन आ गया ना। और यहाँ पे अपन जाएंगे, ये यहाँ पे बटन दबा देते हैं हम, किसका लगा दें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये जगह मिल जाएगी है ना। यहाँ पे हम गए क्रॉस रेफरेंस में गए, ऊपर सबसे क्या है, सन है ना, सन में पहुंचना है, सन में पहुंचना है, एबव और बिलो वाला बटन लगाना है, इंसर्ट पे गए, ये पहुंचना, क्लियर। अब चलो देखते हैं, कंट्रोल दबाओगे तब काम करेगा, ऊपर नीचे, नीचे। तो आप यहाँ पे हाँ नीचे आ गए, अब जाए ऊपर पहुंचना है तो फिर कर्सर घुमाएंगे, कंट्रोल दबाए ऊपर पहुंच गए, ऊपर दबाए नीचे पहुंच गए, क्लियर। आप इसे चाहो तो अपना डिजाइनिंग भी दे सकते हो, हाथ दे सकते हो, क्लिप आर्ट में अगर हाथ है तो हाथ दे सकते हो, कोई भी आप डिजाइनिंग दे के इसे आप पीछे कर सकते हो, मैंने बता चुका है ये। तो ये डिब्बा क्या करते ऊपर पहुंचाते हैं कैसे, ऐसे, क्लियर। क्या क्या समझ में आया, हाइपरलिंक किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी टेक्स्ट से फाइल से लिंक कर सकता है, बुकमार्क किसी भी पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट में डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है बुकमार्क से, क्रॉस रेफरेंस क्या करता है ये भी बुकमार्क की तरह काम करता है, किसी भी हेड में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और पेज में एबव और बिलो जाने का हम यूज भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज तीनों चीज सीख ली, क्लियर, ओके ठीक है, अभी का जा सकती हो।